गुड इवनिंग दोस्तों, शाम का वक्त है इसलिए आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पहले की वीडियो में गुड मॉर्निंग बोला करते थे क्योंकि मॉर्निंग के समय होता था। आज मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया जिसकी वजह से हम शाम में वीडियो अपलोड करेंगे और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए ये आज दूसरा दिन है कृष्ण जन्माष्टमी का, ये पंडित जी के चक्कर में नहीं समझ में नहीं आता है कि कल हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी की आज हुआ था। कैलेंडर देख देख के उन लोग केवल व्रत करने वाले को परेशान किया करते हैं। ऐसे ज्यादा हम लोग की तरफ मनाया जाने वाला कृष्ण जन्माष्टमी आज है। चलिए उसकी बातों को छोड़ते हैं, हम डू टू पॉइंट पढ़ाई पे आते हैं। कल आप लोग को प्राकृतिक विज्ञान के बारे में मैंने समझाया था। आज का रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है जो वीडियो नंबर 3 है, याद रखिएगा। वीडियो नंबर कितना है? वीडियो नंबर 3 है। कल हम आपको जो बताएं उसमें प्राकृतिक विज्ञान के बारे में मैंने बताया था, जिसे 3 भागों में बांटा गया था। फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायोलॉजी था। उसमें से कल हम फिजिक्स केमिस्ट्री और तीसरा भाग क्या था? बायोलॉजी। ये भाग पढ़ा दिया मैंने, ये भी बता दिया था और अभी इसकी बारी है। तो चलो हम आगे देखते हैं बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आशा करते हैं। अब इसे हम तोड़ कर पहले जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, उसके बाद हम विस्तार से पढ़ाएंगे। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड या लैटिन शब्द मिलकर बना है, जिसका बायो का अर्थ होता है बायोस और लॉजी का अर्थ होता है लोगस। और इन दोनों भाषा को हम लोग जानते हैं कि डेड भाषा का उपयोग किया जाता है लैटिन शब्द में या ग्रीक वर्ड में, क्योंकि आने वाला जो वैज्ञानिक होते हैं इसको परिवर्तन ना कर दे। इसके लिए साइंस के वैज्ञानिक पहले के जो थे वो ग्रीक शब्द या लैटिन भाषा का उपयोग डेड भाषा के रूप में किए हैं। ये बायोस डेड भाषा है, लोगस डेड भाषा है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है ऑफ स्टडी। लाइफ का मतलब होता है जीवन, ऑफ स्टडी का मतलब होता है का अध्ययन। शॉर्ट में बोलेंगे जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। यहां तक आप समझ गए होंगे, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। अब बात उठती है कि ये जीवन क्या होता है, और इस जीवन को बताने से पहले, समझाने से पहले हम बायोलॉजी का परिभाषा लिखा देते हैं, उसके बाद हम जीवन बताएंगे। और अगर जानने का आप उत्सुक हैं तो अभी तुरंत हम बता देंगे, जैसा आप लोग कहिएगा अभी बता दो। चलो ठीक है, अभी देख लो आप। मान लिया जाए ये एक कोशिका है, मान लिया जाए ये एक कोशिका है, क्या बताने वाले हैं हमें जीवन क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइफ।
कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है ये तो आप सब जानते हैं, कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ फ्लूइड स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, तरल पदार्थ होता है जो कहलाता है जीव द्रव्य। इस द्रव पदार्थ को क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य, इंग्लिश में से बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत? और ये न्यूक्लियस है जिसका हिंदी होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं। जब तक लाइफ का हम डिफिनेशन बोलेंगे, जब तक किसी भी कोशिका में जीव द्रव्य कार्य करेगा या एक्टिव रहेगा, क्रियाशील रहेगा, एक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील रहना, क्रियाशील रहेगा, तो वैसी कोशिका को हम बोलेंगे कि जीवित है। और परिभाषा भी जीवन का यही होता है कि जब कोई कोशिका के अंदर अगर साइटोप्लाज्म एक्टिव है, कार्य कर रहा, तो उसको हम जीवित कोशिका बोलेंगे या जीवन बोलेंगे। तो शॉर्ट में इसको परिभाषा हम कैसे बोलेंगे, एक्टिवनेस ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज लाइफ। हिंदी में जीव द्रव्य का कार्य करने की जो शैली होता है वो कंटिन्यू जारी रहे लगातार कोशिका के अंदर, उसी को हम बोलेंगे जीवन। और जीवन समझ गए आप लोग, तो हमारे शरीर में कोशिका को आज तक कोई गिन नहीं पाया है, अनंत कोशिका है। प्रत्येक मिनट कोशिका नया बनती है और प्रत्येक सेकेंड नई कोशिका बनती भी है, मिनट भी बनती है, और प्रत्येक मिनट सेकेंड कोशिका डेड भी होती है। इसलिए इसको गिनना इम्पॉसिबल है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसकी संख्या अनंत माना गया। अब कोशिका के अंदर केवल साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य ही नहीं होते हैं बाबू, इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं जो खुली आंख से दिखता नहीं है। जब कोशिका ही नहीं दिखता है खुली आंख से, तो क्या इसमें उपस्थित अंग दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले किसकी संरचना है, कोशिका की संरचना एक स्टार लाइन में रूप में देखिए। कोशिका के अंदर अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को या अंग को हम कोशिकांग कहते हैं। फिर से इसको हम लिख देते हैं, समझ में नहीं आई होगी बात। समझ रहे हैं ना? लिखते हैं, थैंक यू।
कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग को या पदार्थ को कोशिकांग, इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई? लाइफ भी आप समझ गए हैं। इसके अंदर बहुत सारा अंग रहते हैं छोटा छोटा, आप यहां तक समझ गए। अब इसको हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का डिफिनेशन अगर देखना है तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं चाहे विस्तार में बोल सकते हैं, जीव विज्ञान को अब हम परिभाषित कर सकते हैं। हबड़ाई नहीं, दो मिनट और लगेगा, मन से पढ़िए। विज्ञान की वह शाखा, इसको परिभाषा देखिए कैसे लिखाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी सजीवों का अध्ययन करेंगे या अध्ययन करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत गलती लेकिन हम हो जाता है क्योंकि मैं स्मार्ट बोर्ड का उपयोग जल्दी करता नहीं हूं, समझ गए ना। हम किसी भी सजीवों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान कहते हैं। फिर देखिए हम लिखना कुछ चाहते हैं, लिखा जा रहा कुछ, समझदार हैं आप लोग। कहते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता, किन्हें कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरिस्टोटले। स्पेलिंग में गलती नहीं देखिएगा क्योंकि बायोलॉजी के टर्म में, साइंस में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो आप उसको गलत नहीं कर सकता है क्योंकि आप विकास एक नाम है, विकास को कोई बी आई से लिखता है, कोई बी आई से लिखता है, कोई बी आई के ए एस लिखता है, कोई विकास लिखता है। तो हम एक ही नाम को डिफरेंट रूप में लिखें, नेमिंग में कोई गलती या स्पेलिंग नहीं होता है, इसलिए अरिस्टोटले को ऐसे लिखा गया है मेरे द्वारा, टोटले हिंदी में इन्हें बोला जाता है अरस्तु। एनीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज फिर से एक बार, जीव विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी सजीवों का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं, तो उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटले साहब को, अर्थात अरस्तु जी को। नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं देखिएगा, समझ में आनी चाहिए कॉन्सेप्ट, यह मायने रखता है, ठीक है ना। और कोई बात, प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर पहले वीडियो में, ये वीडियो नंबर 3 अपलोड होगा आज, जिसको आप लोग देखेंगे सीखेंगे। और बेसिक चीज बता रहा हूं, करीब 20-25 वीडियो बताऊंगा जो केवल बेसिक होगा, बायोलॉजी का बैकबोन जिसे बोल सकते हैं, बायोलॉजी का बैकबोन रीड रहेगा वो जिंदगी भर। आपको चाहे आप पारा मेडिकल की तैयारी करो, चाहे आप नीट का तैयारी करो, चाहे आप कुछ भी कंपटीशन का तैयारी करो, उसमें आपको ये बेसिक उपयोग होगा, उपयोग साबित होने वाला है। आज यहीं तक रहने दीजिए, बहुत टाइम हो चुका है, आज यहां तक हमको
विस्तार से बताना है और भी बहुत कुछ अभी अगले वीडियो में बताऊंगा। हमें आशा है कि यहां तक आप लोग को जबरदस्त समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आज यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।